हेलो एवरीवन, दिस इज शो पेतरवान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से हम 5.5 महीने में अपनी क्लास 11th की केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म कर सकते हैं। इसी तरह की मैथ्स की और फिजिक्स की वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, तो अगर ये वाली वीडियो समझ में आए और ऐसा लगे कि यार ये वाली चीज मेरे पे फिट बैठ रही है, मतलब ये वाली जो टेक्निक है ये मैं अपने ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ, तो वो वाली दोनों वीडियो भी तुम जाके देख सकते हो। अभी इस वीडियो की बात करें तो सबसे पहले हर बार की तरह क्लियर कर दूं, ये उनके लिए नहीं है जो कि कहीं पेड सब्सक्रिप्शन पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक टेन्योर दिया जाता है कि भाई ऐसे इतने घंटे में ये होगा, इतने दिनों में ये होगा, और पूरा एक प्लान दिया जाता है, तो उनको तो उस प्लान के साथ चलना है। वो इस पे मत भागना कि भाई उसको छोड़ के इस पे जा रहे हैं, नहीं, ये उनके लिए जो कि फ्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेजोरिटी बच्चे इस समय फ्री ही पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं से लेक्चर ले रहे हैं। तो मैं उनको सिर्फ एक आइडिया देना चाहता हूँ कि देखो भाई इतने घंटे इतने चैप्टर में लगेंगे, इस तरह से ये खत्म होगा, जिससे कि उनका कोई बैकलॉग ना रहे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5.5 महीने कहा है। हर बच्चे कहता है कि भैया मेरी स्पीड अलग है, ये है ठीक है, 5.5 महीने से 6.5 महीने हो जाएंगे, 7.5 महीने हो जाएंगे, पर एक तुम्हें पैटर्न तो पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को इस मोटिव से देखो कि मेरे को एक पैटर्न पता चल जाए कि हाँ यार इतने घंटे में ये चैप्टर खत्म करना है, मतलब एवरेज बच्चा इतने में कर पाएगा, मतलब मैं चाहे 2 घंटे पहले कर लूं, चाहे 2 घंटे बाद में कर लूं, पर एक आइडिया मिल जाए। इस तरह से इस वीडियो को देखना। तो मैंने एक देखा कि यार कितने कितने जो यूट्यूब के सारे चैनल है उन सबको देखा, फिर देखा कि एक लेक्चर कितने एक टाइम का लगता है, तो मैंने देखा कि एक एवरेज अगर मैं देखूं तो एक लेक्चर में 1 घंटा हर एक टीचर ले रहा है। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया है कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं एक लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो रहा है, मतलब कि वो 1 घंटे में खत्म हो रहा है। यहाँ पे लेक्चर और जो मैं टाइम अभी बताऊंगा वो सिर्फ उससे पढ़ने का है। ठीक है, खाली अपने रिवीजन करने का नहीं है, सिर्फ पढ़ने का, मतलब उससे ज्ञान लेने का है। ठीक है, रिवीजन करने का जो है वो मैं इसके बाद बताऊंगा। तो एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, एक के बाद एक चैप्टर में बताते रहता हूँ। पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें मैंने देखा कि 6 लेक्चर में ये हम ज्ञान ले सकते हैं उससे। ठीक है, खाली पढ़ सकते हैं, रिवीजन का नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं, मतलब कि टोटल टाइम इसमें हमें 6 घंटा लगेगा चैप्टर 1 के लिए। चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि 8 लेक्चर में खत्म हो सकता है, टोटल घंटे हमें इसमें 8 ही लगेंगे, 1 लेक्चर 1 घंटे का, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 8 घंटे हो गए। चैप्टर नंबर 3 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, 7 लेक्चर में खत्म हो सकता है, मतलब कि 7 घंटे हमें इसमें लगेंगे। चैप्टर नंबर 4 है केमिकल बॉन्डिंग, अथवा सागर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अच्छी तरह घोट लेना इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर 4th है केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें कि 15 लेक्चर लगेंगे, 15 घंटों में ये खत्म हो सकता है, मतलब ज्ञान ले सकते हो, सिर्फ सुन सकते हो, मतलब नोट्स और साथ में बनाने वाला। चैप्टर नंबर 5 है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें कि 8 लेक्चर में खत्म हो सकता है, मतलब कि 8 घंटे हमें इसमें लगेंगे। 7th है इक्विलिब्रियम, 12 लेक्चर में खत्म हो सकता है, मतलब 12 घंटे हमें इसमें लगेंगे। 8वां है रेडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें कि 4 लेक्चर लगेंगे, मतलब कि 4 घंटे होंगे। चैप्टर नंबर 9 है हाइड्रोजन, 10 लेक्चर 10 घंटे। चैप्टर नंबर 10 है एस ब्लॉक, जिसमें 16 लेक्चर 16 घंटे हमें लगेंगे। चैप्टर नंबर 14 है पी ब्लॉक, जिसमें कि 14 लेक्चर लगेंगे और वही 14 घंटे लगेंगे उसके हिसाब से। 12वां IUPAC नॉमेनक्लेचर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, 12 लेक्चर में खत्म हो सकता है, मतलब कि तुम सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, और 12 घंटे हमें इसमें लगेंगे। 13वां चैप्टर जो है वो है हाइड्रोकार्बन, मतलब कि इसमें 15, मैंने देखा कि इसमें 15 लेक्चर में खत्म हो सकता है, मतलब कि 15 घंटे लगेंगे। लास्ट जो चैप्टर है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये मेंस और बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कई मैंने देखे 20-20 मिनट में खत्म कर रखा है यूट्यूब पे, पर मैंने मान लिया चलो ठीक है 1 घंटा लेके चलते हैं, मतलब कि 1 लेक्चर में ये खत्म हो सकता है। तो देखो ये जो पूरा टाइम था, इस पूरे टाइम को अगर मैं निकालूं तो ये टोटल 128 घंटे बन रहे हैं। ठीक है, टोटल टाइम 128 घंटे सिर्फ और सिर्फ ज्ञान लेने का। ठीक है, कि हमने उससे सुना है और पढ़ा है, बस अभी अपने आप रिवाइज नहीं करा है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा तोड़ मोड़ के बताऊंगा कि एक एवरेज बच्चे के लिए क्या होता है, जिसने फिजिक्स और मैथ्स वाली वीडियो देख रखी है वो समझ जाएगा, तो वो स्किप भी कर सकता है, पर जो नया है वो सुनते रहो। अगर मैं देखूं एक एवरेज बच्चे का, ठीक है, एक एवरेज बच्चा जो होगा वो दिन में 3 घंटे किसमें देगा, ज्ञान लेने में, मतलब लेक्चर अटेंड करने में। तो हम इसको मान सकते हैं तीनों को अगर ब्रेक कर दूं मैं, एक घंटा। जरूरी नहीं होता है कि हर बच्चा जो है वो तीनों के तीनों सब्जेक्ट एक दिन में पढ़े, पर मैंने कहा ठीक है चलो 1 घंटा तोड़ दो, पर तुम मेन मान सकते हो कि 3 घंटे तुम्हारे लेक्चर लेने में निकल गए। फिजिक्स की और मैथ्स की बनी हुई है, केमिस्ट्री की अभी बता रहा हूं। ठीक है, साथ में 6 घंटे वो क्या करेगा, सेल्फ स्टडी करेगा, जिसमें कि 2-2 घंटे हम अगर बांट लें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के। ठीक है, तो ये 2 घंटे क्या करेगा साथ साथ में, उसी दिन में, ये 1 डे का है, उसी दिन में वो साथ में उसे 1 घंटे लेक्चर लिया, फिर 2 घंटे उसका रिवीजन करा। ये क्या है, ये सिर्फ लेक्चर वाला है, तो इसको और तोड़ मोड़ कर देखते हैं। अगर हम देखें एक मंथ में अगर हम देखें तो उसमें करीबन कितने दिन होते हैं, 30-31 दिन होते हैं। मैंने कहा छोड़ो यार, संडे सैटरडे भी मजे करो, 25 दिन मैं मान लेता हूँ एक मंथ में होते हैं। अब 128 घंटे चाहिए,
एक दिन में हम 1 घंटा पढ़ रहे हैं, तो टोटल कितने दिन चाहिए होंगे? 128 दिन चाहिए होंगे हमें। तो 128 दिन जो होंगे वो हमारे आएंगे कितने में? 5 महीने + 3 दिन में। मैंने कहा यार कई दिन भी यार ऐसा होता है कि मन नहीं करता पढ़ने का, है ना, संडे सैटरडे के अलावा भी कई बार ऐसा होता है कि पढ़ने का मन नहीं करता या फिर बहुत ज्यादा होमवर्क होता है तो उस दिन लेक्चर नहीं अटेंड कर पाते। ठीक है, इसको भी रिलैक्सेशन देते हैं, इसको हम बोलते हैं ठीक है 5.5 महीने। तो ठीक है 5.5 महीने में तुम इस वाले अगर प्लान से चलोगे तो होगा। ठीक है, अगर मान लिया, मन में ठान लिया कि बस एक बार करना है, इस तरह से करना है तो हो जाएगा। ठीक है, हाइपोथेटिकल नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ ठीक है चलो। देखो ये इसी दिन में इसी टाइम में साथ में तुम रोज 2 घंटों से रिवाइज भी कर रहे हो। ठीक है, इस टाइम में उसके बाद मैंने और रिलैक्सेशन भी दी। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, तुम्हारी और स्पीड स्लो है, इसको तुम 6.5 महीने लेके चले जाना, इसको तुम 7.5 महीने लेके जाना, पर यार ये भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, इतने में भी कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सारा जो है हाइपोथेटिकल नहीं है, अपने हिसाब से तुम देख सकते हो कि यार ये है जो मैंने तुम्हें बताया है, आई होप वो चीज तुमने लिख ली होगी। ठीक है ना, इस तरह से तुम्हारा पूरा है। एक बात और, बच्चे कहते हैं कि भैया 3 + 6 मतलब कि हमें टोटल 9 घंटे दिन में पढ़ना पड़ेगा। भाई 11th में आ चुके हो, करना पड़ेगा। ठीक है, 11th में इतना करना होता है। इसके ऊपर एक इनफॉर्मल टॉक मैं बनाऊंगा, ठीक है, इनफॉर्मल वीडियो जो होती है वो मैं बताऊंगा। उसमें एक चीज है कि सेल्फ स्टडी के ऊपर जो बच्चे सोच रहे हैं इस समय घर पे बैठे बैठे, क्योंकि 10th की आदत है, तो वो वाली बातें मैं उस वाली इनफॉर्मल वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ये सब चीजें तुमने नोट कर ली होंगी तो फायदा ही होगा। अब अगर समझ में आ रही है तो मैथ्स और फिजिक्स वाली वीडियो भी जाके तुम देख सकते हो। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। चलो जाओ पढ़ लो, जाओ पढ़ लो।